आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं अगले इसके पिछले वीडियो में कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसके लिए 6 कंडीशन था। लेकिन अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना इसमें केवल एक कंडीशन है, इसको देखते हैं। अवतल लेंस की परिभाषा जैसे बताया गया था कि वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। देखिए यह अवतल लेंस है, यह बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है, इसको अवतल लेंस कहते हैं। यह आपका मुख्य अक्ष है और इसके बीचों बीच से मिलाते हैं तो यह आपका प्रकाशीय केंद्र सी होगा। अब इसे देखिए, प्रथम फोकस इधर होगा एफ वन और यह हो जाएगा टू एफ वन और यह हो जाएगा एफ टू और ये हो जाएगा टू एफ टू। ये द्वितीय फोकस है, ये प्रथम फोकस है। अब इसमें हम वस्तु को अवतल लेंस के सामने कहीं भी रख सकते हैं। तो इधर हम वस्तु को कहीं भी रख रहे हैं, तो यहाँ रखते हैं ए बी पर। अब हम जब वस्तु ए बी को अवतल लेंस के सामने रख रहे हैं तो यहाँ से जैसे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाए हैं ठीक अवतल लेंस में भी वैसे ही बनाना। अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को खींचेंगे और ये किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरेगा। और देखिए इस लेंस का काम है प्रकाश की किरणों को फैलाना और उत्तल लेंस का काम है प्रकाश के किरणों को एकत्र करना। तो यह फैलाएगा यानी यह किरण ऐसे जाएंगे, तो ये किरण ऐसे जाएंगे तो यह लग रहा है कि यह किरण इधर कहीं से जा रही है। ऐसे किरण जा रही है लेकिन लग रहा है कि यह किरण एफ टू से होकर जा रही है यानी द्वितीय फोकस है। लेकिन देखिए द्वितीय फोकस यानी एफ टू से होकर जाने नहीं है, यह जाता हुआ प्रतीत हो रहा है यानी आभास हो रहा है कि यह द्वितीय फोकस से होकर जा रही है। और एक किरण जो हम प्रकाशीय केंद्र से गुजारते हैं सी से और वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है और दोनों जहां काटता है वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। अब देखिए जब वस्तु ए बी को अवतल लेंस के सामने रखे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश इस वस्तु की अपेक्षा छोटा है और मुख्य अक्ष के ऊपर है तो सीधा है और प्रकाशीय केंद्र और द्वितीय फोकस एफ टू के बीच बन रहा है। इस तरह से जो प्रतिबिंब बनेगा प्रकाशीय केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच बनेगा। तो इसमें हम इस वस्तु को कहीं भी रखें अवतल लेंस के सामने इसका जो प्रतिबिंब बनेगा द्वितीय फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच ही बनेगा हमेशा और उस वस्तु से छोटा बनेगा सीधा बनेगा। तो चलिए जब अवतल लेंस के सामने हम वस्तु को रख रहे हैं तो यहां लिखेंगे जब वस्तु अवतल लेंस के सामने हो तो उसका प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से छोटा और F2 यानी द्वितीय फोकस और C प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा। देखिए जहां वस्तु को कहीं भी रखें तो इसका प्रतिबिंब हमेशा F2 यानी द्वितीय फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा। तो इस अवतल लेंस में केवल एक ही कंडीशन है क्योंकि हम इसके इधर कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा और सीधा बनेगा आभासी बनेगा और F2 और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा। द्वारा प्रतिबिंब का बनना समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए हम लोग सूत्र के बारे में पढ़ेंगे।